नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की, सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर, आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी नेता व मनरेगा के शिल्पी रघुवंश बाबू नहीं रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं रहे। राजनीतिक जगत में रघुवंश बाबू के नाम से मशहूर समाजवादी नेता ने रविवार की सुबह दिल्ली एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 74 साल के थे। रघुवंश बाबू की पहचान देश में नरेगा, आज का मनरेगा के शिल्पी के रूप में भी है। कोरोना से जंग जीतने के बाद उनके फेफड़े में संक्रमण की शिकायत थी। दो दिन पहले उनको दिल्ली एम्स अस्पताल प्रशासन वेंटिलेटर पर ले गया था। शुक्रवार तक उनकी तबीयत स्थिर बताई गई थी, लेकिन रविवार की सुबह उनका निधन हो गया। रघुवंश बाबू कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के लिए उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां से ठीक होकर वह घर लौट गए थे, लेकिन उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, सांस लेने में भी परेशानी थी, लिहाजा उन्हें बेहतर इलाज के लिए 4 अगस्त को दिल्ली ले जाया गया। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनके निधन की सूचना मिलते ही सीएम ने दिल्ली के स्थानीय आयुक्त एवं अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिजनों से संपर्क कर उनके पार्थिव शरीर को उनकी इच्छा के अनुरूप पटना लाने तथा राज्य सरकार की ओर से उनके अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। उनके निधन से राजनीति के, सामाजिक, शिक्षा और समाजवाद के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों की दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इधर राजद का झंडा झुका, सभी कार्यक्रम 7 दिनों तक रद्द है। राजद कार्यालय में रघुवंश प्रसाद के निधन पर श्रद्धांजलि सभा हुई, साथ ही उनके सम्मान में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही कहा कि 7 दिनों तक पार्टी कार्यालय शोक मनाएगा और इस अवधि में पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। सभी ने 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी। तेजस्वी ने उन्हें अभिभावक बताया। क्रांति सिंह मुनेश्वर चौधरी, विनोद यादविंदु, मृत्युंजय तिवारी, चित्रंजन गगन, चंद्रेश्वर प्रसाद, रणविजय साहू, देव किशुन ठाकुर, प्रमोद सिन्हा, भाई अरुण ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेट्रोलिंग मंत्रालय से जुड़े बिहार की 3 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, बिहार का कर्ज उतारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी पीढ़ी उसे पूरा होते हुए। बिहार का सहयोग सबके साथ है और यही इसकी अद्भुत क्षमता भी है, इसलिए हमारा कर्तव्य भी है। मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बिहार का कर्ज है कि हम उसे उतारें और बिहार की सेवा करें। रविवार को पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ी बिहार की 901 करोड़ की 3 परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सहित पूर्वी भारत में ना तो सामर्थ्य की कमी है और ना ही प्रकृति ने यहां संसाधनों की कमी रखी है। बावजूद इससे बिहार और पूर्वी भारत विकास के मामले में दशकों तक पीछे रहा है। इसकी कई वजह आर्थिक व प्राथमिकताओं की रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह राजनीति रही है। पीएम ने कहा कि बिहार में कुछ लोग कभी एक कहते हैं कि यहाँ के नौजवान पढ़ लिख कर क्या करेंगे, उन्हें तो खेत में काम करना है। ऐसी सोच ने बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं के साथ बहुत अन्याय किया। इसी की वजह से बिहार में बड़े शिक्षण संस्थान खोलने को ज्यादा काम नहीं किया गया है। नतीजा हुआ कि बिहार के युवा बाहर जाकर पढ़ाई और नौकरी को मजबूर हो गए हैं। इस स्थितियों की वजह से पूर्वी भारत या बिहार की आधारभूत संरचना की योजनाएं हमेशा अंतहीन देरी का शिकार हो रही है। सरकार नहीं चाहती शिक्षा सुधार हो। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूलों की बदहाली के कारण गरीबों से शिक्षा दूर हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए दिए गए मेरे सुझाव को सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया।
तीन साल पहले दिए गए सुझाव पर अब तक विचार नहीं हुआ। सरकार चाहती ही नहीं कि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो व गरीबों के बच्चे पढ़े, लिहाजा मजबूर होकर पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा। श्री कुशवाहा अपनी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सुधार सप्ताह के अंतिम दिन रविवार को शिक्षा सुधार मार्च को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन की सूचना मिलने पर कार्यक्रम में बदलाव करते हुए गांधी मैदान के गेट पर रघुवंश बाबू की तस्वीर मंगाकर माल्यार्पण किया, फिर मौन मार्च शुरू किया, पर पुलिस ने जेपी गोलंबर से मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी भी मौजूद थे। खेल छात्रों को परीक्षा देने का एक और मौका देगी NOU। वर्ष 2020 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए विगत वर्षों में फेल व अनुपस्थित छात्रों को एक और मौका दिया जाएगा। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इंटर, IA, IAC और ICOM पार्ट 1 व पार्ट 2, PG डिप्लोमा कोर्स को फिलहाल मौका दिया जाएगा। स्नातक व PG के लिए तिथि बाद में जारी की जाएगी। छात्र 14 सितंबर से 23 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ही ऑनलाइन माध्यम से राशि जमा होगी। SBI कलेक्ट या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राशि नहीं जारी की जाएगी। अभिभावकों के बीच जाएंगे शिक्षक। राज्य के 715 प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अभिभावकों के बीच जाएंगे। पिछले 30-35 वर्षों से चल रहे प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के समान ही सभी सुविधाएं मिल रही है। इसके मद्देनजर कार्यरत शिक्षक कर्मचारी प्रस्वीकृत एवं स्थापना की अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सरकारीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके लिए ऐसे विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों का संगठन बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के चरणबद्ध आंदोलन पर उतरने का निर्णय लिया है। खबरों में आज बस इतना ही, धन्यवाद।